वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेके आया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिमम बेसिक पे 26,000 होने के बारे में। आपको पता है कि मोदी सरकार अपनी सेकंड इनिंग में बहुत धमाकेदार फैसले कर रही है। 30 दिन गवर्नमेंट बने को हुए हैं, 30 दिन में उन्होंने सैकड़े ही फैसले कर दिए हैं और कई फैसले सीधा एम्प्लॉइज के बारे में है। मिलिट्री के बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूं, पैरा मिलिट्री को शहीद का दर्जा देने के बारे में, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में और कई तरह की वन रैंक वन पेंशन के बारे में। तो इस तरह की जो फैसले होते जा रहे हैं, एजुकेशन अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लंप सम पेमेंट टू डिग्री लेने के बारे में और लंप सम पेमेंट के बारे में, तो ऐसे फैसले होते आ रहे हैं, बहुत धमाकेदार फैसले करते आ रहे हैं। अभी ये झगड़ा जो चलता आ रहा था मिनिमम बेसिक पे का, सहमत पे कमीशन की रिपोर्ट एक माथुर साहब ने जो दी थी 1/1/2016 से जिसको लागू किया गया था, उसमें मिनिमम बेसिक पे 18,000 थी, 18,000 रुपया रखी गई थी। पर एम्प्लॉयज की डिमांड चलती आ रही है कि इसको 26,000 किया जाए और लोड फैक्टर जो है वो 3.68 होना चाहिए बजाय 2.57 एज रिकमेंडेड बाय द कमीशन। सहमत पे कमीशन ने लोड फैक्टर 2.57 टाइम्स रखा था, जबकि एम्प्लॉइज कहते हैं कि ये गलत है, कम से कम 3.68 टाइम्स होना चाहिए, पौने चार गुना होना चाहिए। तो इन सभी डिमांड्स को बहुत देर से ये डिमांड चलती आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। मोदी सरकार ने पहली इनिंग्स में इसको करने की कोशिश करी लेकिन इसको पूरी तरह नहीं माना था, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने इसको मान लिया है। और मेरी रिपोर्ट का जो बेस है वो 28 जून को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हमारे टीवी चैनल्स, इंडिया टीवी और कई टीवी चैनल्स ने दिखाया है कि मिनिमम बेसिक पे 26 होने जा रही है। और 5 जुलाई को बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, नए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इसको बजट में अनाउंस करने वाले हैं। मेरे पास और कोई ऑथेंटिकेटेड लेटर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर नहीं है। मैं न्यूज प्रिंट मीडिया के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेस पर, इंडिया टीवी के खास करके जिसका मैं आपको क्लिपिंग क्या मैं उसका आपकी जो न्यूज उन्होंने बोली है वो उसका टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। वो टेक्स्ट आप पढ़ लें, उसमें लिखा है कि 26,000 रुपया होने वाली है और उसके ऊपर कैबिनेट मोहर लगा रही है और 5 जुलाई को इसको बजट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये खुशखबरी है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, कितने लाखों, 48 लाख से ज्यादा लोगों को ये प्रभावित करेगी। तो इससे बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण डाक सेवक जो होता है 8वीं पास होता है और उसकी मिनिमम बेसिक पे 26,000 हो जाएगी। इसके ऊपर DNS अलाउंस है और भी अलाउंसेस हैं, तो उनकी पे बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको अगर बैक डेट से लागू कर दिया गया तो एरियर भी बहुत अच्छा बन जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट 0.25 कम करा है और उससे क्या है कि इसका मतलब जो ग्रोथ है GDP की वो डाउन जा रही है और डाउन वार्ड ग्रोथ में निर्मला सीतारमन जी अपना बजट पेश करेंगी, पहला बजट पेश करेंगी। तो इसके लिए ये क्लियर कट है कि उनको मार्केट में मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, GDP को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा। तो इसलिए नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सुधार करेगी। और एम्प्लॉइज को और भी सुना है न्यूज चैनल पर कि एम्प्लॉय की जो इनकम टैक्स लिमिट है उसको भी रेज किया जा रहा है ताकि सभी एम्प्लॉय खुश हो जाएं, किसी तरह की कोई नाराजगी ना रहे और देश जो का जब माहौल अच्छा रहे, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर माहौल भी बहुत अच्छा बनता है, एम्प्लॉय ही माहौल को चेंज कर देते हैं। तो मुझे सेंट्रल कर्मियों से, केंद्रीय कर्मचारियों को ये खुशखबरी देते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर शेयर करेंगे और लाल रंग का सब्सक्राइब का जो बटन है उसे जरूर दबाएंगे। 2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी हैं,
और उनके लिए ये वीडियो बनती है, मैं पांचवीं छठी वीडियो डाल रहा हूँ केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में। पर दुख की बात है कि सब्सक्राइब करते समय, लाल रंग का बटन दबाते समय डरते क्यों हैं? लाल रंग का बटन दबाने का कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई फीस, वो लाखों लोग हैं तो इसको करें। हमारे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर जाने हैं तो 1 लाख का टारगेट हमने रखा है, तो इसलिए कृपा करके इसको दबाते जाएं ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।